कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा नेतृत्व व कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनते नजर आ रहे हैं। मिशन 27 उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की टीम विस्तार का इंतजार लंबा होता जा रहा है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने शिवराज कैबिनेट में भारी दखल के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब संगठन में भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। पार्टी में कार्यकारिणी को लेकर अचानक बेचैनी बढ़ गई है। कई तरह की कलहों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में अपने 1 दर्जन समर्थकों को मंत्री बनाकर बड़े विभागों में जिम्मेदारी दिलाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि पहले प्रदेश संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर भी उनके समर्थक नजर आएं। बताया जा रहा है सिंधिया प्रदेश में 3 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 3 सचिव, 2 मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सहित प्रदेश कार्यकारिणी में अपने समर्थकों को जगह दिलाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार के बाद सिंधिया ने संगठन में भी अपने समर्थकों के लिए पदों की मांग रखती है। सिंधिया चंबल ग्वालियर के अलावा मालवा में अपना प्रभाव कम नहीं करना चाहते, इसके चलते उन्होंने इन दोनों ही क्षेत्रों में अपने समर्थकों को महामंत्री और उपाध्यक्ष बनाने की मांग रखती है। वहीं वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी में पहले से स्थापित नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं। साथ ही सिंधिया समर्थकों को पद देने से भाजपा को अपने पुराने नेताओं की नाराजगी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। ये सारे पेच दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बिना नहीं निकल सकेंगे। इसी वजह से सबकी निगाह प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की दिल्ली यात्रा पर टिप गई है। सिंधिया के नए पैतरे से लंबे समय से कार्यकारिणी का इंतजार कर रहे पार्टी नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। अगर सिंधिया समर्थकों का संगठन में दबदबा बढ़ा तो ये कहना कतई अनुचित नहीं होगा कि सिंधिया बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इसी पशुपेश में 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बने विष्णुदत्त शर्मा भी अपनी टीम की घोषणा नहीं कर पाए। वहीं इन सब में बड़ी भूमिका दिल्ली शीर्ष की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व शुरुआत से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में दिख रहा है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।